जीरादेई के जेडीयू उम्मीदवार कमला कुशवाहा और उनके पति संजय सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के बरासो गांव में अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ संजय सिंह कुशवाहा, मोहन जी राजभर और जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं कमला सिंह, ये सभी लोग अपने समर्थकों के साथ रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक प्रकट कर रहे हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआ भी किए। तो आपको बताते चले कि रामविलास पासवान का इलाज चल रहा था और कल देर शाम उनका निधन हो गया, जिसको लेकर के पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। और आपको बताते चले कि अभी हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जो उम्मीदवार हैं कमला सिंह कुशवाहा उनके पास, और आप देख सकते हैं कैसे यहां पे उनके आवास पे तमाम समर्थकों की भीड़ है और रामविलास पासवान जी का जो निधन हुआ है उनके निधन पर शोक की लहर दौड़ी है और यहाँ पर भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कमला सिंह कुशवाहा हैं, उनके पति हैं संजय सिंह कुशवाहा जो जीरादेई के कैंडिडेट हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और उनके साथ मोहन सिंह राजभर हैं, मोहन जी राजभर, तमाम जेडीयू के और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं वो उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किए थे। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, संजय जी रामविलास जी का निधन हो गया, देश को एक बड़ी क्षति हुई है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मुझे कहना है कि रामविलास जी, आज हम लोगों ने, इस देश के लोगों ने एक बहुत बड़ा राजनेता को खो दिया है। यह पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं। जिस भी विभाग में वे रहे, इस देश में जिस समय वो दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे, इस देश को उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम देने का काम किया था। गरीबों का आवाज़ बनकर लोकसभा में, पार्लियामेंट में हमेशा रहते थे और यह आज एक बहुत दुखित घटना है। जैसे हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने इस देश का एक सच्चा सपूत खो दिया है, तो मुझे कहना है कि इसका भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह इस दुख के घड़ी में यह जेडीयू परिवार, एनडीए परिवार, तमाम लोग, हम लोग उनके परिवार के साथ। बिल्कुल, आप बताइए कमला जी, आप जेडीयू के उम्मीदवार हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से, रामविलास जी के निधन पे किस तरह से शोक संवेदना व्यक्त करेंगी आप? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। शोक इसी पर है कि मतलब बिहार के एक जाने माने नेता को निधन हुआ है। हमें तो, हमारे पूरे मतलब बिहार नेता को, जनता को, सभी को बहुत दुख है। इसीलिए आप लोग आज शोक सभा का जी हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनके आत्मा की शांति हो। बिल्कुल, तो आपने देखा मोहन जी से बातचीत होगी, मोहन जी क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द? आज हम लोग बिहार के सच्चे सपूत, भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का जो निधन हुआ है, उससे हम सभी लोग मार्मत हैं और इस दुख की घड़ी में शोक संपत्त परिवार, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बिल्कुल, आपने देखा कि हम पहुंचे हुए हैं जेडीयू उम्मीदवार जो हैं कमला सिंह कुशवाहा उनके आवास पर और तमाम लोग यहां पर पहुंच करके रामविलास पासवान जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किए हैं और उनकी ईश्वर से कामना की है कि उनकी आत्मा को शांति दे। एटीएन लाइव भी रामविलास पासवान जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता है।